हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा। आज हम लोग डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसमें हम लोग जानेंगे इनकम एंड अदर क्रिटेरिया के बारे में। इसके पहले हम लोग जाने थे किसी भी देश को या फिर स्टेट को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर किस तरह से हम कंपेयर कर रहे थे उसके बारे में जाने थे। अब हम लोग जानेंगे और भी अदर क्रिटेरिया क्या है। इनकम तो है ही, उसके अलावा भी और क्रिटेरिया है कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट को अदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट या फिर कंट्री के। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि और भी अदर क्रिटेरिया यानी दूसरे तरीका के बारे में जिसमें कि स्टेट या फिर कंट्री को कंपेयर करेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो को देखते हैं, फिर कोई भी व्यक्ति के जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन जो रहता है, जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं और गोल हैं किसी भी व्यक्ति को, तो हम ये पाते हैं कि लोग सिर्फ बेटर इनकम के लिए के बारे में ही नहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली सिर्फ अच्छा इनकम हो, अच्छा आय हो, उसी के बारे में सोचते हैं, नहीं, उसके अलावा भी लाइफ में दूसरे गोल भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जॉब सिक्योरिटी का, या रेस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं वहाँ पर, फिर इक्वल ट्रीटमेंट का, फिर फ्रीडम का, ये सभी ज़रूरी होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई भी जॉब चुनते हैं, चॉइस करते हैं, या फिर कोई भी काम वर्क को करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कह देना कि किसी भी कंट्री को कंपेयर करने में उसके इनकम के आधार पर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो यह एक तरीके से क्या होगा, सही नहीं हो सकता। सिर्फ इनकम के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देश में हो सकता है कि वहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन लोगों का जो हेल्थ हुआ, हेल्थ इशू की स्थिति उनका अच्छा नहीं हो, वहाँ पर लोगों का लाइफ उतना अच्छा ना हो, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर किसी कंट्री को हम कंपेयर करते हैं तब। ठीक है, तो अगर हम इनकम के अलावा और क्या चीज़ के थ्रू हम कंट्री को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी देश के लोगों के लाइफ की क्या स्थिति है उसको पता करने के लिए, तो उसके लिए हम एक टेबल देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, टेबल 1.3, जो पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट, कोई स्टेट सेलेक्ट किया है, तीन, हरियाणा, केरला और बिहार, ये तीनों स्टेट के देखेंगे हम कि किस तरह से वहाँ पर कैपिटा इनकम है। तो हरियाणा, केरल एंड बिहार के बारे में, तो यहाँ पर हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो 15-16 में कितना था, 1,18,174, 1,80,174 रुपये था। और फिर केरला का 1,63,475 रुपया, और फिर बिहार का 34,409 रुपया। तो ये पर कैपिटा इनकम, इससे क्या पता चलता है हमें कि स्टेट के लोगों का एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर सबसे अमीर स्टेट कौन सा हो गया, सबसे रिच स्टेट, तो हरियाणा, सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास है, पर कैपिटा इनकम है हरियाणा का। और सबसे गरीब स्टेट बिहार, जहाँ पर के मात्र 34,409 रुपया ही है। ठीक है, इस तरह से हम पर कैपिटा इनकम के आधार पर पता चला कि कौन सा स्टेट अमीर है, कौन सा स्टेट गरीब है। ठीक है, और भी अदर क्रिटेरिया हैं कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम जानेंगे
टेबल 1.4 देखते हैं। इसमें अदर क्राइटेरिया कौन सा है? एक है इन्फांट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, 2017 का आंकड़ा दिया गया है। और फिर सेकंड नंबर में लिटरेसी रेट के आधार पर, थर्ड नंबर में नेट अटेंडेंस रेशियो के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उस देश, उस स्टेट का या फिर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली इनकम के आधार पर किया जा सकता, नहीं, उसके अलावा भी ये तीन चीज़ हैं, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इसके आधार पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जान जाएंगे कि इन्फांट मोर्टेलिटी रेट है क्या, IMR। तो IMR क्या है कि कोई भी वर्ष में, किसी भी एक वर्ष में 1000 जो अगर जीवित बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें से एक वर्ष में, एक वर्ष के एज में से पहले ही कितने बच्चे का डेथ हो गया है, उसके रेशियो के बारे में हमें पता चलता है कि कितना बच्चे का डेथ हुआ है 1000 बच्चों में से। ठीक है, वो हुआ इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, IMR। सेकंड नंबर में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब क्या हुआ? इसमें 7 ईयर या फिर उससे एबव एज ग्रुप के जितना भी लोग हैं, उसमें उन लोगों में कितना लिटरेसी है, कितना पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है लिटरेसी रेट्स हैं। फिर है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो में जितना भी 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो कितना परसेंट बच्चे, जितना भी बच्चे हैं उसमें से कितना परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रेन, उसमें से कितना परसेंटेज बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, 14 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कंपेयर करते हैं तो हरियाणा स्टेट क्या था, सबसे अमीर था, क्योंकि वहाँ का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक था। और लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्फांट मोर्टेलिटी रेट कितना है, मात्र 30 है, 1000 पर 30 बच्चे की मृत्यु होती हुई ना हुआ है, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, जो कि केरल से पीछे है लेकिन बिहार से आगे है। ठीक है, इसी तरीके से लिटरेसी रेट में, लिटरेसी रेट में बिहार क्या है, सबसे पीछे है। लिटरेसी रेट में बिहार सबसे पीछे है, और जो उसके बाद हरियाणा है, फिर उसके एक नंबर पर केरल है। ठीक है, जहाँ की 94% लिटरेसी रेट है। और फिर इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि हरियाणा का कितना है, मात्र 61% है, और बिहार का देखिए सबसे कम लिटरेसी रेट है वहाँ बिहार में, तो मात्र 43%, और सबसे अधिक है लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे अधिक केरला में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो हरियाणा को पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो हरियाणा था जो सबसे डेवलप्ड स्टेट देखने से लगता है, लेकिन जब हम इसके जो आंकड़ा जो दिया गया टेबल 1.4 में देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि IMR जो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट है, वो हरियाणा है जो केरल आंकड़े से पता चला क्या कि केरला से भी पीछे है इन्फांट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा।
और एक चीज़ यहाँ के इससे क्या पता चला, हेल्थ के स्थिति के बारे में पता चला हमें कि हरियाणा में हेल्थ का कंडीशन कैसा है, यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छा है या नहीं है और लोगों की हेल्थ कैसी है। उसके बाद हम लिटरेसी रेट में देखते हैं, तो लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलता है या नहीं है, या फिर जैसे इसमें देखिएगा सबसे एजुकेशन में पीछे कौन है, बिहार। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इस टेबल से हमें पता चलता है। और फिर इसी तरह से हम नेट अटेंडेंस रेशियो को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं, कितने प्रतिशत बच्चों स्कूल भेजते हैं कि नहीं, इससे पता चलता ना है कि कितना परसेंट जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं बच्चों के, वो स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि हमें जो सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो हमें पता चलता है, और लोगों के जो लाइफ है वो किस तरीके से जी रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये टेबल्स के बारे में हम लोग जाने, और इसमें जानेंगे क्या एक चीज़ कि केरला में, जो केरल में था वो 1000 बच्चों पर, 1000 चिल्ड्रेन पर जो जन्म लेने वाले हैं, 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया था उनकी एक साल के एज होने से पहले ही कितने की डेथ होती है, तो मात्र 10 बच्चे का, 10 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और वही देखते हैं हम हरियाणा में, तो यह इससे लगभग ये 3 गुना के आसपास है, हरियाणा में जो 30 बच्चे का डेथ हो जाता है, ठीक है, जो कि करीब 3 गुना है। और इसके अलावा हम दूसरे जगह पर भी देखें तो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरल से, पर कैपिटा इनकम अगर हम देखते हैं तो हरियाणा का केरला से ज़्यादा है, लेकिन हम इन्फांट मॉर्टलिटी रेट देखते हैं तो केरल से कहीं ज़्यादा है, वहाँ बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं हरियाणा में। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हेल्थ फैसिलिटी हरियाणा से कहीं अच्छा केरला में है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे, लिटरेसी रेट में भी तो केरला अधिक है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा है इससे अमीर पता चलता है, लेकिन वहाँ के जो एजुकेटेड लोग कितना है वो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन इस टेबल से हमें पता चलता है कि एजुकेशन में सबसे अधिक केरला के हैं, हरियाणा उससे पीछे है, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, तो नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या है कि बिहार के जो हैं 14-15 वर्ष के जो एज के जो चिल्ड्रेंस हैं वो बिहार के जो आधा से ज़्यादा बच्चे लोग स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था बिहार में वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ स्कूल में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी कुछ अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ ज़्यादा गरीबी है बिहार में, जिसके कारण लोग काम करने चले जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं कहीं, तब जाकर उन लोगों का पेट भरता है, खाना खाते हैं। इस कारण से भी बिहार में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और यहाँ की जो पेरेंट्स हैं उनका लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है वो भी कम है, यानी साक्षर नहीं है, जिसके कारण भी वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग के साथ भी होता तो आज हम लोग, अगर उस समय भी स्कूल नहीं जाते हैं तो आज हम लोग इस तरह से पढ़ नहीं रहते, और या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जाने इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया के बारे में, पर कैपिटा इनकम तो है ही, इसके अलावा इन्फ्रंट मॉर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में जाने हम किसी भी स्टेट या कंट्री को कंपेयर करने के लिए।
ओके।